हेलो, नमस्कार। आज हम बनाएंगे मूली की भाजी। ये मूली के पत्ते हैं, एक्चुअल में ये मूली की गड्डी नहीं है। ये मूली खाने के लिए आती है ना, ये वो पत्ते हैं, है ना। तो ये है ना, ये मूली तो खा ली है दो, अब ये पत्ते बचे हुए हैं, इनको मैंने धो लिया है। और ये चने की दाल है, ये चने की दाल लिए है मैंने, और 1.5 कप ली है। और 2 कप ही पानी डालेंगे इसमें, 3 साढ़े 3 कप पानी डालेंगे। ये डाल दिया है, ये अच्छे से धो लिए है मैंने इसको, ये रगड़ के धो ली है। चने की दाल है ये, और इसमें है ना मैंने 3 कप पानी डाला है, और थोड़ा सा सॉल्ट, और ये थोड़ी सी हल्दी, पिंच, 2 पिंच से ज़्यादा नहीं डालना है, 2 पिंच ही है। और 1 स्पून ऑयल डालेंगे हम, सरसों का तेल है या वेजिटेबल तेल है जो भी है, 1 स्पून ही डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है ना। अभी शार्प 2 सीटी लगा लेंगे और स्लो कुकिंग पे बनने देंगे इसको 3 मिनट के लिए। ये मेहंदी मारने के लिए रखा है मैंने, ये ना ये डाई का काम करता है, डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक हेयर के लिए ये मैंने घोल के रखा है, और ये मैं मेहंदी भी मार रही हूँ। जब तक कुकर चढ़ा दिया है और पत्ते धो के रख दिए हैं मैंने, और ये घोल लेती हूँ जब तक मैं मेहंदी, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद है ना, ये मैंने ये बना के रखा है, हेयर सीरम है ये मेहंदी लगाने के बाद बनाऊंगी, तो क्योंकि 24 घंटे उसको रखने के लिए भी चाहिए। और ये चाय की पत्ती है, टी पाउडर है जो नॉर्मली खाते हो, और टी लीफ है, ग्रीन टी लीफ है। इसको दोनों को मैंने ये निकाल के पानी बना लिया है, 2 कप, 2 कप पानी डाला था, 1 कप रह गया है। ये मोटी मोटी पत्ती दिख रही है, ये ग्रीन टी लीफ है ये। और ये शुगर है 1 चम्मच, ये शुगर डाल दी है मैंने इसमें, और इसको मार के मैं रख दूंगी। ये थोड़ा पानी कम पड़ रहा था ना। शक्कर डालेंगे हम, इससे शक्कर से क्या होता है, नमक, ये कलर ज़्यादा अच्छा आता है। मैं नमक बोल रही हूँ, नमक डाला था उसमें। ये शक्कर से, थोड़ी शक्कर से है ना कलर अच्छा आता है। और इसका जो उतरेगा ना नींबू और शक्कर से, और लोहे की कढ़ाई में रखा है, तो ये मेहंदी लगाने के लिए भी है ना काली हो जाएगी। इधर हमारी दाल हो गई, ये 2 सीटी हो गई हैं इसमें। ये मैंने डाला है लहसुन, ये कच्चा लहसुन डालना है ऊपर से। दाल हमारी बॉईल हो रही है अभी, ये दाल हमारी बॉईल हो रही है। नमक टेस्ट कर लें इसमें, थोड़ा सा नमक कम ज़्यादा है तो। और टेक्सचर इसका ऐसे ही रहेगा, थोड़ी सी मिल गई है, थोड़ी सी खड़ी रहेगी। और इसमें मैंने आधी स्पून शक्कर डाली है, चने की दाल है, आधी स्पून शक्कर डाली है, और 3 गार्लिक डाले हैं मैंने कूट कर। और इधर जी मैं बघार लगा लूँगी, 2 मिर्ची हैं ये, और राई, थोड़ी सी राई डालूँगी, और हींग। इसका बघार रेडी हो गया है, तो वो चटता है ना ये थोड़ा सा, ये बघार हमारा रेडी है ये। और ये हमारी चने की दाल रेडी हो गई है। सिंपल दाल है लेकिन बहुत टेस्टी है ये। ये राई का बघार है, कुछ नहीं डाला है, थोड़ा सा मैंने शुगर डाली है। ये बहुत ही टेस्टी दाल बनती है ये। इधर मैंने ये है ना मूली के पत्ते काट लिए हैं, और 1 मूली भी है इसमें डाला है, मिर्ची और लहसुन डाला है। और अब हम ये हींग डालेंगे, 4-5 लहसुन की पोथी है, और ये ग्रीन चिल्ली है, 4 ग्रीन चिल्ली हैं, क्योंकि मूली के पत्ते थोड़े ही हैं, 2 मूलियों के 3 मूलियों के पत्ते हैं, ये गड्ढी नहीं है। ये डाल दिया है मैंने, इसको चला लेंगे 1 मिनट। ये देखिए, इसको चला लेंगे, बारीक काटा है मैंने, इसके डंठल भी लिए हैं मैंने, क्योंकि कमी पत्ते हैं ना ये, तो ये फेंक जाते हैं, घर में आते तो हैं ये फेंक जाते हैं। इसको चला लेंगे, और इसमें नमक डाल दिया मैंने, तेल थोड़े ही डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है, ज़्यादा तेल में भी अच्छी नहीं बनती, तेल बिल्कुल थोड़ा है। इसने पानी ये छोड़ेगी, इसी में गलेगी ये भाजी है ना।
तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे नहीं गलेगी जी, इसको टाइम लगता है, स्लो कुकिंग चाहिए। और इसमें छोटी प्लेट लेके, पैन है ये, छोटी प्लेट लेके इसको ढक दीजिए। ढक दिया, इसके ऊपर एक बड़ी प्लेट रख दूंगी मैं, तो इसकी स्टीम से ये बनेगी, स्टीम से जल्दी पकेगी, नहीं तो ये है ना कच्ची रह जाती है, इसको है ना टाइम लगता है बनने के लिए। तो ये देखिए अभी इसकी जो पटक गई है ये, माने कि बनना शुरू हो गई है, ये देखिए ये मुलायम हो गई है ना, अभी कितनी फैली लग रही थी, अभी ये हुई नहीं है, नहीं दांतों में कचकच होगी, अभी ये बनी नहीं है, ऐसे लग रहा है कि बन गई है लेकिन वो कच्ची है, बनी नहीं है अभी। ये है ना दबके बनती है स्लो कुकिंग, क्योंकि अभी उसके डंठल है ना कच्चे हैं। फिर मैंने इसको ढक दिया है और फिर बड़ी प्लेट रख दूंगी मैं, पानी नहीं डालना है, वो इसी में ही बन जाएगी स्लो कुकिंग में, छोटी वाली गैस पे रखना है। और ये हमारी मूली की भाजी रेडी है, ये देखिए ये मूली की भाजी हमारी रेडी है। मूली के पत्ते फेंकने से भी बच गए हैं और ये दाल के साथ हमारे घर में काम भी आ जाएगी, है ना। और ये बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेस्टी है मूली की भाजी, है ना। मैं और ये मेहंदी का सीरम है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, और मेहंदी मारने का। थैंक यू, ये रेडी है हमारी, थैंक यू।